शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण यानी TRE 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अभ्यर्थियों को लग रहा था कि इसी महीने रिजल्ट आ सकता है, लेकिन तांती समाज को लेकर BPSC के ताजा नोटिफिकेशन को देखकर तो यही लगता है कि BPSC TRE 3 का रिजल्ट किसी भी सूरत में अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। इसे लेकर अभ्यर्थियों में जहां आक्रोश है तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। BPSC TRE 3 यानी कि बिहार में तीसरे शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार और लंबा हो गया है। BPSC के ताजा नोटिस से ये पता चला है कि सितंबर के बाद ही TRE 3 के रिजल्ट की उम्मीद है। BPSC ने तांती ततवा समाज के अभ्यर्थियों को एक मौका दिया है जिसमें वे अपना आरक्षण वर्ग SC से चेंज कर EBC कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा, क्योंकि ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसके लिए उन्हें 2 सितंबर से 23 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, यानी किसी भी सूरत में रिजल्ट अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। सरकार है जो बार बार ऐसा नीतिगत फैसला लेती है जिससे कि बार बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और पिछले बार जब हम लोग TRE 2 दिए थे तो 8 दिन में रिजल्ट आ गया था, सेम डेट में आंसर किया गया था। आज 1.5 महीना होने को है, न आंसर की का पता है न रिजल्ट का पता है। BPSC TRE 3 के रिजल्ट में अभी देरी होगी और जिस तरह की प्रक्रिया BPSC के द्वारा अपनाई जा रही है और बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से लेट लतीफी की जा रही है, इसको देखकर तो यही लगता है कि BPSC TRE 3 के रिजल्ट में काफी देरी होगी। आपको बता दें कि BPSC TRE की परीक्षा पहली बार मार्च में आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा का आयोजन दोबारा अंतिम जुलाई में किया गया। इसमें करीब 87,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसके लिए लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। इस मामले पर विपक्ष ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है, तो RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। सरकार के गलत नीतियों की वजह से बार बार विलम्ब हो रहा है और मैं कहूँ अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, तो परेशान तो अभ्यर्थी होंगे ही होंगे। ये हकीकत है कि राज्य सरकार की कोताही और राज्य सरकार की निग्लिजेंसी के कारण आज इस तरह की स्थिति और परिस्थिति जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको झेलना पड़ रहा है। इससे पहले TRE 3 का परीक्षा जो दिए वो पर्चे लीक हुए। इधर BJP और JDU ने सरकार और आयोग के फैसले का बचाव किया। BJP प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि देरी के पीछे सरकार का मकसद रिजल्ट की बारीकियों पर नजर रखना है, जबकि JDU प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयोग को रिजल्ट में संशोधन करना पड़ेगा। रिजल्ट जारी करने में थोड़ी देर हो रही है, तो इसके पीछे भी शिक्षक अभ्यर्थियों का ही हित निहित होगा। रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व एक एक चीजों को देखा और परखा जाता है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ताती ततवा के संदर्भ में आदेश दिया, तो BPSC ने पुनः आज के अखबार में इस समाज के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन दिया है और विज्ञापन के बाद सरकार आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। जिस खरगोश की रफ्तार के साथ BPSC ने TRE 1 और TRE 2 का रिजल्ट जारी किया था, उसी हिसाब से TRE 3 की कछुआ चाल देखकर तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि या तो सरकार इस बार देरी कर रही है या सरकार पिछली दोनों परीक्षाओं में हड़बड़ी कर रही थी। निषेध